तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों, नेदरलैंड्स T20I ट्राई सीरीज 2024 की शुरुआत 23 अगस्त से हो चुकी है, जिसका पहला मुकाबला कनाडा वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच खेला गया था और इस मुकाबले को नेदरलैंड्स की टीम ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है। यानी कि पॉइंट टेबल में नेदरलैंड्स की टीम को 2 पॉइंट्स हासिल हो चुके हैं, साथ ही कनाडा की टीम को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जो दूसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बीच में। आपको बता दें कि ये मुकाबला 24 अगस्त को शाम 7:30 बजे यानी कि आज ही के दिन शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और आज के इस मुकाबले में आपको यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मुकाबला होगा स्पोर्ट पार्क उट्रेच में। तो दोस्तों, आज के इस मैच प्रीव्यू में हम चर्चा करेंगे इसी मुकाबले को लेकर, जिसमें आपको बताएंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही उन खिलाड़ियों के नाम जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इस मैच प्रीव्यू की रिपोर्ट के साथ। तो देखिए, स्पोर्ट पार्क में टोटल मैचेस अभी तक खेले गए हैं 2, जिसमें से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने तीनों ही मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। यानी कि इस सीजन नेदरलैंड्स T20I ट्राई सीरीज 2024 का जो पहला मुकाबला खेला गया था कनाडा और नेदरलैंड्स के बीच में, वहां पर भी नेदरलैंड्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 5 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया था। फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर बना है 152 का, हाईएस्ट स्कोर यहां पर बना है नेदरलैंड्स की टीम ने 153 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर जर्मनी की टीम ने दर्ज किया है 53 का। बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, इस सीजन जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला ही मुकाबला खेला गया था कनाडा और नेदरलैंड्स के बीच में, यानी कि 23 अगस्त से इस लीग की शुरुआत हुई है दोस्तों, तो एक ही मुकाबला इस पिच पर अभी तक खेला गया है। और इस एक मुकाबले में अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कि किन खिलाड़ियों के लिए ये पिच ज्यादा फायदेमंद है, क्या वो पेसर्स हैं या फिर स्पिनर्स, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैच यहां पर खेला गया है जिसमें टोटल 10 विकेट चटकाए गए हैं और पेसर्स ने यहां पर लिए हैं 4 विकेट, वहीं स्पिनर्स के खाते में 6 विकेट जुड़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि स्पिनर्स के लिए ये पिच थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। तो ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए, यूएसए और कनाडा के बीच में 11 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें से 7 मुकाबले यहां पर जीते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने, तो वहीं 3 मुकाबलों में कनाडा की टीम ने जीत दर्ज की है और एक मुकाबला यहां पर एवेंडन रहा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की टीम जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है कनाडा की टीम से, और 7 मुकाबले भी यूएसए की टीम ने कनाडा के खिलाफ अभी तक जीते हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की टीम इस लीग की शुरुआत भी जीत के साथ करना चाहेगी। तो ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है जो कि भिड़ते हुए नजर आएंगे कनाडा की टीम के साथ। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको बता देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर शामिल रह सकते हैं मुनान पटेल, एरॉन जॉन्स, स्टीवन टेलर, नीतीश कुमार, हरमीत सिंह, कोरी एंडरसन, मिलिंद कुमार, सौरभ नेत्रवालकर, शेटली वेंस केल्विक, अली खान और नौस्तुष कैंजगे। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि हमें नजर आ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेइंग 11 में। बात करें यहाँ पर उन बल्लेबाजों, उन गेंदबाजों के बारे में जो कि कनाडा के खिलाफ अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं, अच्छे विकेट हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के की प्लेयर्स की अगर बात करें तो पहला नाम हमने शामिल किया है कप्तान मुनान पटेल का, जिन्होंने 27 T20I मैचेस खेलते हुए 507 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक भी दर्ज किए हैं दोस्तों, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा है 129.67 का। अगला नाम है नीतीश कुमार का, जिन्होंने 28 मैचेस खेलते हुए 128.01 के स्ट्राइक रेट से 617 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक वो अभी तक लगा चुके हैं और साथ ही गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट भी नीतीश कुमार ने अपने खाते में जोड़े हैं। स्टीवन टेलर की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, 30 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं, 816 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक उन्होंने अपने बल्ले से बनाए हैं, साथ ही गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट भी उन्होंने अभी तक अपने खाते में जोड़े हैं। गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर हरमीत सिंह है, जिन्होंने 12 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं 7.4 के इकॉनमी रेट से। नौस्तुष कैंजगे ने 10 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं 8.04 के इकॉनमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है सौरभ नेत्रवालकर का, जिन्होंने 33 मैचेस में 33 ही विकेट अपने खाते में जोड़े हैं 6.68 के इकॉनमी रेट से। तो ये बात हो गई यूएसए की टीम के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कनाडा की प्लेइंग 11 के बारे में। अब जैसा कि आपको बताया कि पहला मुकाबला कनाडा की टीम हार चुकी है, तो ऐसे में इस मुकाबले को कनाडा की टीम जीतना जरूर चाहेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स अगर उन्हें अपने खाते में जोड़ने हैं तो इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना होगा। तो ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिल सकता है कनाडा की प्लेइंग 11 में शामिल होने का, चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निकोलस कीटन, एरॉन जॉनसन, डिलॉन हिलिगर, दिलप्रीत भाजवा, हर्ष ठाकर, जेरेमी गॉर्डन, कलीम सना, रविंद्रपाल सिंह, रियान पठान, श्रेयस मोवा,
और साद बिन जाफर नजर आ सकते हैं। तो वहीं अब बात करें कनाडा के की प्लेयर्स के बारे में, तो देखिए पहला नाम हमने शामिल किया है निकोलस केटन, जो कि टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में नेदरलैंड्स के खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अर्धशतकीय पारी खेलते हुए उन्होंने 69 रन स्कोर किए थे, साथ ही वो नॉट आउट भी रहे थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट था 118.97 का। रविंद्र पाल सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने 39 रन की नॉट आउट पारी खेली थी पहले मुकाबले में और उनका स्ट्राइक रेट था 216.67 का। गेंदबाजों की बात करें तो साद बिन जाफर हैं, जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे नेदरलैंड्स के खिलाफ 7.20 के इकोनॉमी रेट से। हर्ष ठाकर ने भी 2 विकेट अपने खाते में जोड़े थे 9.70 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है कलीम सना का, जिन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ 4.40 के इकोनॉमी रेट से 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा था। तो ये है कनाडा के वो खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहला मुकाबला था वहां पर निकोलस केटन और रविंद्र पाल सिंह ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और अगर इस मुकाबले में यानी यूएसए के खिलाफ भी अगर ये इसी कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हुए नजर आते हैं तो इस मुकाबले को वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात हो गई, की प्लेयर्स के बारे में आपको बता दिया है, साथ ही हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में भी। फाइनली बात करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती नजर आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों टीम्स के स्टैट्स को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर यूएसए की टीम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि हेड टू हेड कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि 7 मुकाबले यूएसए की टीम ने अपने नाम किए हैं कनाडा के खिलाफ, तो वहीं कनाडा ने मात्र 3 ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो ऐसे में 60% चांसेस यूनाइटेड स्टेट्स की टीम के नजर आ रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के, तो वहीं 40% चांसेस अभी भी कनाडा की टीम के हैं, क्योंकि पहला मुकाबला हार चुकी है तो दूसरे मुकाबले को जीतने की भरपूर कोशिश करती हुई कनाडा की टीम नजर आने वाली है। साथ ही पिच के लिहाज से भी बात कर लेते हैं, तो देखिए जैसे कि हमने आपको पहले प्री मैच में बताया था जो कि कनाडा और नेदरलैंड्स के बीच में खेला गया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली पहले फील्डिंग करना चुन सकती है और सेकंड बैटिंग करते हुए इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन पहले मुकाबले में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कनाडा की टीम ने टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग की जगह बैटिंग चूज की और उन्हें इस मुकाबले को हारना पड़ा। तो वहीं नेदरलैंड्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो इस मैच को भी दोस्तों सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अपने नाम करने में कामयाब होती नजर आ सकती है। वेल, अब आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।